इस समय देश के माहौल में जब चारों ओर हिंदू धर्म को बांटने और हिंदुत्व पर तमाम सारे खतरे देखने को मिल रहे हैं या उन पर कुठाराघात किए जा रहे हैं, उस दौर में कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो लगातार हिंदू धर्म को एक करने के लिए अलग अलग प्रयास करते रहते हैं। इन्हीं में से एक विश्व हिंदू परिषद बीते कुछ वर्षों से सामाजिक समरसता बढ़ाए रखने के लिए कई सारे कार्यक्रम करता रहा है। शिवरात्रि महापर्व पर भी इसी तरह का एक अनोखा कार्यक्रम देखने को मिला। यूं तो यह कार्यक्रम बीते कुछ वर्षों से संगठन अशोकनगर में करता रहा है। धर्म प्रचार विभाग के प्रमुख दीपक मिश्रा बताते हैं कि इस बार सामाजिक समरसता का रुद्राभिषेक किया गया और इसके दौरान अशोकनगर शहर में करीब 50 से अधिक विभिन्न समाजों के जोड़ों ने सामूहिक रूप से सामाजिक समरसता के लिए भगवान महाकाल का रुद्राभिषेक किया है। उनका कहना है कि देश और दुनिया भर में जब हिंदू धर्म को बांटने के मंसूबे गढ़े जा रहे हैं, उस दौरान उनके मंसूबों को कामयाब न होने देने के लिए यह सामाजिक समरसता का काम किया जा रहा है, जिसके तहत अशोकनगर के पुराने नगरपालिका के भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 50 से अधिक जोड़ों ने सपत्नीक भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और समाज में मंगल कामना के लिए प्रार्थनाएं की। विश्व हिंदू परिषद द्वारा सामाजिक समरसता के अंतर्गत यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50 जोड़ों ने भाग लिया है और हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग में ऊंच नीच भेदभाव खत्म करना है। हम सब हिंदू एक हैं, इस उद्देश्य को लेकर हर साल विश्व हिंदू परिषद जो है इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करती है, जिसमें सिर्फ आना भर होता है, बाकी सारा सामान पूजन सामग्री जो है सब विश्व हिंदू परिषद हम लोग अरेंज करते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है, मानवता का उद्देश्य है, मानवता के उद्देश्य को लेकर, भारत अखंड के उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम हम करवाते आ रहे हैं और करवाते हैं। हर वर्ष जो आप कार्यक्रम करते हो तो मतलब इसमें जोड़े बढ़ते हैं या? हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं, इसमें जोड़े बढ़ते हैं। करीब 40 जोड़े थे पिछले वर्ष, उसके पहले 20 थे, 25 थे, इस बार हमारे 50 जोड़े हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक जोड़े बढ़े, हर समाज का भाग यहाँ पे लें। करीब 7-8 वर्षों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है, हमारा निरंतर हमारा चालू है। शुरू में लोगों को समझ में नहीं आया, समाज के लोग इकट्ठे नहीं हुए, फिर उनको लगा कि माँ विश्व हिंदू परिषद का बढ़िया उद्देश्य है, मानवता का उद्देश्य है, सबको एक साथ चलाने का उद्देश्य है। अब धीरे धीरे स्वतः ही सब लोग आ रहे हैं। सिर्फ हमारे लिए एक दिन पहले फोन द्वारा या जैसे भी बस मैसेज करना भर होता है और हमारा कार्यक्रम में सब लोग। कब तक चलता है ये कार्यक्रम? कार्यक्रम करीब 2 घंटे चलता है। पहले इसका विधि विधान होता है, जोड़े बैठते हैं, पूजन वगैरह होती है, पूजन के तत्पश्चात भगवान शिव का सामूहिक रुद्र अभिषेक होता है, उसके बाद प्रसाद आरती वगैरह करके समापन हो जाता है।